कोऑर्डिनेट सेक्शन में कॉन्सेप्ट ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इनके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो आप इससे पहले कोऑर्डिनेट सेक्शन को काफ़ी सारे पार्ट्स में हमने डिवाइड करके रखा है और हर एक सेक्शन के बारे में एक ही लेक्चर में पूरा बाइंड अप किया है। मगर यहाँ पर समस्या क्वेश्चंस के डिस्कशन और क्वेश्चंस को लेके आती है, तो आज का पूरा सेशन क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर ही रहेगा। तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स पढ़ते समय क्वेश्चंस को ट्राई नहीं कर पा रहे, ऑर्थो सेंटर या इन सेंटर या सर्कम सेंटर नहीं निकाल पाते हैं, तो आज के लेक्चर में वो बने रहें लास्ट तक। हम लोग आपको बहुत ही आसानी से और किस तरीके से ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर निकालते हैं इसके शॉर्टकट या जो भी तरीका सबसे अच्छा होगा वो डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंसीडर किया है आपके सामने, ऑर्थो सेंटर उस ट्राइंगल का निकालना है, उसकी तीन वर्टाइसिस दी गई हैं। सो ऑप्शंस ये तीन कंसीडर किए गए, ज्योमेट्री एक ग्राफ हमने फिगर लिया है जो प्लेन पर नहीं दिखाया है, ना ही कोई शॉर्टकट लेंगे। एक जो जनरल मेथड है उस मेथड को हम लोग पहले फॉलो करेंगे और आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल में साइड बी सी की इक्वेशन निकालेंगे, बताते चलें कि ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमें एक वर्टाइसेस से एक परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा पर डालना है, दैट इज एडी एल्टीट्यूड है, एक यहां से भी एल्टीट्यूड डालना है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। तो हम इक्वेशन ऑफ बीसी निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी साइड जो है उसकी इक्वेशन, तो सिंपल वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन। हमने कहा ही है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल इन जनरल जो नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर वही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू एज्यूम करते हैं, तो वाई माइनस वाई वन फोर वाई टू दैट इज ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वाई वन फोर अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो फोर माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस फोर बराबर माइनस फोर एक्स और प्लस ट्वेल्व। तो अब लाइन को सिंप्लीफाई करें तो 4x प्लस वाई बराबर 16। इक्वेशन आप BC आ गई, मतलब इस लाइन की इक्वेशन आ गई। आप इसके परपेंडिकुलर एक लाइन निकालनी है जो 0,0 से पास हो, ठीक। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, इस सिंबल को हमने परपेंडिकुलर लाइन के लिए यूज किया है। तो क्या करते हैं, कोफिशेंट जो भी है एक्स और वाई के होते हैं वो इंटरचेंज करते हैं, तो कोफिशेंट ऑफ एक्स फोर है वो वाई के साथ चला जाएगा और वाई का कोफिशेंट वन है वो एक्स के साथ चला जाएगा, तो एक्स और फोर वाई। साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह क्या रखेंगे, अब लैम्डा को चाहे कहीं पर इधर या इधर कहीं पर असाइन कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो देखें पास किससे हो रहा है, 0,0 से। यहाँ पर हम फिर से आपको ज्योमेट्रिकली हाईलाइट करने की कोशिश करें कि इक्वेशन आप बी सी निकाल ली यहाँ तक, फिर उसके परपेंडिकुलर एक लाइन निकाली, अब लेमडा निकालने के लिए 0,0 से उसे पास कराएंगे, तो 0,0 इसका मतलब एक्स और वाई की जगह 0,0 रख देंगे। जब आप 0 रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 0। वापस आप इसमें फिर से रखेंगे तो जो इक्वेशन आएगी एक्स माइनस फोर वाई बराबर 0, यही क्या आ गई इक्वेशन आप ए डी, क्या आ गई एडी, जो एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड पर ही ऑर्थो सेंटर होगा, तो ऑप्शन से हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे बारी बारी से, यानी कि वाई का चार गुना, कहने का मतलब वाई का क्या, वाई का चार गुना करें एक्स के बराबर हो, तो ऐसा कोई फॉर्म कोई भी ऑप्शन ऐसा है यहां पर कि वाई का चार गुना करें एक्स के बराबर हो, कोई भी ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन क्या होना चाहिए था, मतलब क्या होना चाहिए थे, 5/4, 5 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलिए। हाँ तो ये वाला ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन आप और कंसीडर कर रहे हैं, और जैसा कि बताते चलें
कोई भी शॉर्टकट या कोई भी स्पेशल टाइप के ट्राइंगल को आइडेंटिफाई ना करते हुए जो सबसे बेसिक मेथड है उस मेथड को ही कंसिडर कर रहे हैं जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को जान पाएँ। तो सारे शॉर्टकट जो भी बताए गए थे आप पहले वाले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। आज एक रूटीन वाला मेथड इसलिए बता रहे हैं कि आप कहीं पर भी जहाँ पर शॉर्टकट क्रिएट नहीं हो पाते हैं आप उन क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन को यहाँ कंसिडर किया गया है कि सारे तीन वर्टाइसिस दी गई हैं वो आपके सामने हैं। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। 8, 0, 4, 6 और 0। यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिकली रफली फिगर हाईलाइट किया। ये ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। अब इसको कैसे करेंगे, अभी जैसा एक्सप्लेन किया था कि इस साइड की हमें इक्वेशन निकालना है। इसको हम चाहें तो बहुत डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं बट हम मान के चलते हैं कि आप पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट अभी आपका बहुत ज़्यादा पक्का नहीं है। स्ट्रेट लाइन में अगर परफेक्ट होंगे तो आप इसको बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट हैं कि तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमने उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए एक बेसिक सा रूटीन मेथड लिया है कि इसको माना एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू। वही टू पॉइंट फार्मूला जो आपको बताया गया था, वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन। अभी आपको ध्यान रहे कि हम इक्वेशन ऑफ बी सी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाई माइनस वाई वन दैट इज़ ज़ीरो, वाई टू जहाँ पर भी हमने पॉइंट आउट किया आप ध्यान दें, ज़ीरो माइनस ज़ीरो अपॉन एट माइनस ज़ीरो और एक्स माइनस एक्स वन दैट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर आया वाई, ऊपर हुआ ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन समथिंग इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें क्या आया, ज़ीरो। तो अब जब हमने टू पॉइंट फार्मूला लगाया एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो के फॉर्म में नहीं होती है, तब बच्चा अगर परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालता है या आगे बढ़ता है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया कि एक वाई बराबर ज़ीरो इक्वेशन अगर आ जाए तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे। वाई बराबर ज़ीरो अगर देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है, वाई बराबर ज़ीरो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। अब वाई बराबर ज़ीरो के परपेंडिकुलर, वाई बराबर ज़ीरो के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन निकालनी हो तो वो इक्वेशन क्या ऑफ क्या होगी, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई एक्सिस, क्या होगा, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई एक्सिस, जो सेंस आपका जो कहता है, ठीक है, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस को क्या लिखेंगे, यहां पर वाई बराबर जीरो एक्स के लिए ले लिया गया तो वाई एक्सिस के लिए एक्स बराबर जीरो। तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कौन सी इक्वेशन आई, बट हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर लेना है और किससे पास कराना है भाई। इस लाइन के परपेंडिकुलर तो बहुत सारी रेखाएं होंगी, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट हमें ऐसी रेखा चाहिए, लाइन चाहिए जो किससे पास हो, ए से पास हो, किससे पास हो, ए से पास हो। तो ए से पास होने वाली मतलब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस 4, 6 से तो पास नहीं होगी, ठीक है, तो हमें किससे पास कराना है, 4, 6 से। तो हम लोग क्या करते हैं कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, अब लाइन कैसे लेते हैं देखते हैं, यहाँ पे कैसे लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको 0x + 1y बराबर 0। तो इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो कोफिशिएंट क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे कि नहीं होंगे बताइए। तो x के साथ कितना आ जाएगा, 1x - 0y बराबर लैम्डा। तो क्या आ गया, x बराबर लैम्डा। अब इसको किससे पास कराना है, a से। a क्या है, 4, 6, यानी कि इक्वेशन में x की जगह क्या रखेंगे, 4, और y यदि है तो 6 रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखें, तो लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू वापस हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन रखेंगे, तो इक्वेशन कौन सी है, यही है, तो यहाँ से फिर से रख देंगे तो क्या आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे x बराबर 4। तो ये जो रेखा है, लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स बराबर 4, ठीक, एक्स बराबर 4। यानी ऑप्शन में देखिए कि कौन से ऑप्शन में एक्स बराबर 4 यानी उसका एब्सिसा 4 है, कौन सा है बताइए, ये वाला है नहीं है, ये वाला है नहीं, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये तो दो नहीं है, ये है और अच्छा ये तो वर्टाइसिस है, तो कौन सा आ गया, ठीक। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ऐसा हो, मान लो ऑप्शन ऐसा बन जाए, तो वो फिर बाद में देखेंगे,
वो इसलिए बोलते हैं कि वो क्वेश्चन लगाना नहीं चाहते, ठीक है। ऑप्शंस इतने टिपिकल नहीं बनाए जाते, ठीक। क्वेश्चन हमारा लग चुका है, ऑप्शन आ चुका है, बट एक स्टेप ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, हम उसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर किसी लाइन BC के परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाली, तो बच्चा इनिशियली स्टेज पर थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है। कन्फ्यूजन क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पर कोफिशेंट एक्सचेंज करने, तो ये वाली बात समझ में आ गई कि x का कोफिशेंट 0 था और y का कोफिशेंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशेंट 1 कर देंगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कहने का मतलब इनके साइन अपोजिट करने हैं। अब यहाँ पर हमने इक्वल के बाहर इधर लैम्डा माना है, ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम इधर मानते हैं, तो हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इक्वल के उधर लैम्डा माना था, इस बार हमने इक्वल के इधर लैम्डा मान लिया, ठीक है। अब ये आगे BC के परपेंडिकुलर है, अब आगे किससे पास कराना होगा, A से। A क्या है, 4,6 है, तो यानी x की जगह क्या रखना होगा हमें, 4, और y की जगह क्या रखना होगा, 6। तो y तो लगभग गायब ही है, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4-0 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया। फिर ये वापस हम लोग क्या करेंगे, लाइन में रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो जब उसको वापस भी उधर ले जाएंगे, तो जब आप एडजस्ट करेंगे, आप समझ गए होगे ना, समझदार हैं, ठीक। तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, वहाँ पर अगर ये प्लस आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आपने अगर रिक्वायर्ड जो डायरेक्शन है, अगर आप लेफ्ट में साइन कर रहे थे या राइट में करेंगे, तो अपने आप वो साइन अपना क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, उसमें कोई हेडक नहीं है। कॉन्स्टेंट आप चाहें इस साइड माने, चाहें उस साइड माने, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप चाहें तो माइनस लैम्डा ले सकते हैं, क्या ले लें, माइनस लैम्डा, तो आपको कैसी मिलेगी वैल्यू, प्लस 4 मिलेगी। तो इसमें कोई हेडक नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि एक्स और वाई के कोफिशियंट इंटरचेंज करने और साइन क्या करना है, चेंज कर देना है, क्योंकि परपेंडिकुलर इक्वेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर m1 m2 बराबर -1 होता है, उसी वजह से यहाँ पर ऐसा बताया गया। बट अभी डीट में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम लोगों को स्ट्रेट लाइन अभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका मेथड है, आपको कुछ नहीं आता है, आप जो बेस वाली लाइन है उस वाली लाइन की इक्वेशन निकालिए 2-point फार्मूले से, और उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालिए लैम्डा मानकर, और उसको जैसे ही आप सामने वाली वर्टाइसेस से पास कराएंगे, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को वापस वहीं रखिए। जो इक्वेशन अब आई है, ऑप्शन से आप सेटिस्फाइड करिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड होता है वही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक। मैं हमने डिस्कस किया जितने क्या दो ही क्वेश्चन से भी डिस्कस हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चन में लगभग दोनों एक जैसे थे, वहाँ पर हम लोग ऑर्थो सेंटर के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे। यहाँ पर ऑर्थो सेंटर दिया गया है और दो वर्टाइसेस भी दी गई हैं, तीसरी वर्टाइसेस आपको निकालनी है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लें। ये दोनों वर्टाइसेस यहाँ पे दिखाई गई हैं और ओरिजिन पर ऑर्थो सेंटर को रखा गया है, तीसरी वर्टाइसेस थर्ड वर्टेक्स क्या होगी, ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन बनेगा। वैसे इन दोनों ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और हो सकता है कि क्या बी हो, बट खैर देखते हैं, शकल तो बी जैसी लग रही है मगर पता नहीं। अब ऑर्थो सेंटर इसका मतलब क्या है, इसके ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि कोई आपने भुजा ली, साइड ली, और साइड के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन जो सामने वाली वर्टेक्स से पास होती है, या वर्टेक्स को सामने वाली भुजा से ऐसे मिलाइए कि वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, या वर्टेक्स से आप एक वेटेड धागा, धागा आपके पास हो और उसमें कुछ वेट हो, आप वहाँ से लटका दीजिए, तो जो एक जिस तरीके से वो लाइन सेगमेंट बनेगी वो एल्टीट्यूड होगी। तो एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये और एक ये ऑर्थो सेंटर होगा, तो ऑर्थो सेंटर उस एल्टीट्यूड पे कहीं ना कहीं होगा। फिगर से ही हम लोग क्वेश्चन लगा निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इक्वेशन आप BC निकाल लें जैसे कि निकालते आए अभी तक। अब फार्मूला मुझे लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, y-y1, तो y-y1 दैट इज़ 1 हो गया, y2 यहाँ पे 3, और 3 प्लस 1/x2 -2 -5 और x-5। इसको सॉल्व करेंगे तो -7y-7 बराबर 4x-20, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 7y बराबर, या इधर जाएगा 13,
बोलिए इक्वेशन आप बीसी आ गए, ये आई कि नहीं आई। अब इसको क्या करेंगे, ओरिजिन से इसके परपेंडिकुलर, बीसी के परपेंडिकुलर रेखा निकालते हैं, लाइन निकालते हैं। इस सिंबल को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसके परपेंडिकुलर, इससे 90 डिग्री पर झुकी हुई लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो वही प्रोसीजर कि एक्स और वाई के कोफिशियंट को आपस में आप चेंज कर दीजिए, तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा 7 और वाई के साथ 4 आ जाएगा इतना से, और जो भी साइन है उस साइन को क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। लैम्डा कहीं भी मान लीजिए आपके ऊपर है, लैम्डा आपने मान लिया। अब ये लाइन मतलब आपने अभी क्या किया, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी, मगर आपको पास किससे कराना है, 0,0 से। तो आप इसको आगे किससे पास कराएंगे, 0,0, यानी एक्स के प्लेस पर 0 रखेंगे, वाई के प्लेस पर 0 रखेंगे। जब भी ऐसा करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू वापस क्या मिलेगी, 0। आप दोबारा फिर से इसमें रख दीजिए। अब ये एरो के आप बाय डायरेक्शन देखते रहिए, तो यहाँ पे लाइन क्या मिल जाएगी, 7x = 4y, ठीक है, यानी कि y का 4 गुना और x का 7 गुना एक दूसरे के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, ठीक है। देखिए भाई, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन बरकरार हैं, बने हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ज्योमेट्री पे जाते हैं। 5, -1, 5, -1 अगर ज्योमेट्री में देखें तो 5 यहाँ पर होगा और -1 नीचे, यहाँ हो गया। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, फाइनली मैं लास्ट में बता देता हूँ कि बी ऑप्शन आया है, और ये वर्टाइसिस थी। यहाँ पर क्वेश्चन पहले वाले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट लिया गया था। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने आर्थो सेंटर निकाला था, यहाँ पर आर्थो सेंटर दिया गया था और वर्टाइसिस निकाली। थोड़ा सा अपना सेंस का भी यूज़ किया, ज्योमेट्री से हमें ये देखना पड़ गया कि ट्राइंगल ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला। तो हमने नीचे वाला इसलिए कंसिडर किया कि ओरिजिन नीचे वाले में आ रहा, क्योंकि एल्टीट्यूड जब पास होगा तो ओरिजिन, उसने बोला कि एल्टीट्यूड पर ही क्या है, ओरिजिन ही आर्थो सेंटर है, तो आर्थो सेंटर नीचे वाले ट्राइंगल में बनेगा। तो इसकी वर्टाइसिस किस में चली गई, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये वाले में कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, ओरिजिन ही पड़ेगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं बना, आंसर कौन है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग दो क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं सरकम सेंटर से रिलेटेड। आपको पहले बता दें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही सरकम सेंटर बोल रहे हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पर ये दो लाइन दी गई हैं, अब ये वाली लाइन को देखते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो अब यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर हम लोगों ने एक्स कॉमन लिया, तो एक्स कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस टू, और यहाँ पर हमने टू कॉमन लिया तो वाई प्लस टू बराबर ज़ीरो। तो जब देखें तो वाई प्लस टू और एक्स प्लस टू बराबर ज़ीरो, तो यहाँ बराबर एक्स बराबर माइनस टू और वाई बराबर माइनस टू। बाकी एक लाइन है एक्स प्लस वाई प्लस टू बराबर ज़ीरो, तो तीन लाइन हमें मिल गई। तीन लाइन को अगर, थ्री लाइन्स को अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो x बराबर माइनस टू, तो x पे हम माइनस टू डिस्टेंस पे जाएंगे और y के समांतर एक रेखा खींच देंगे, ये आई लाइन x बराबर माइनस टू। y पर जाएंगे माइनस टू पर और x के समांतर एक खींच देंगे, तो ये y बराबर माइनस टू आई। यहाँ पर ये आ गया माइनस टू कामा माइनस टू, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस टू कामा माइनस टू। अब x प्लस वाई बराबर टू, तो x बराबर ज़ीरो रखने पर y बराबर माइनस टू आएगा और y बराबर ज़ीरो रखने पर x बराबर माइनस टू आएगा। तो 0, -2, तो 0, -2 यहाँ पर आ जाएगा और -2, -0 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा ये वाला। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये आएगा -2, -2, ये वाली जो वर्टाइसिस यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला आया 0, -2, ये वाला आया -2, -0। आपको पता, राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट क्या होता है, सरकम सेंटर होता है, जिस पर 90 बनता है वो आर्थो सेंटर। तो ये आर्थो सेंटर हो चुका है, एक एक्स्ट्रा हमने क्वेश्चन और लगा दिया, और इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, -1, -1। तो ऑप्शन में देख लेंगे -1, -1 को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये क्या आ गया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सरकम सेंटर है। बहुत सारे लोग यही नहीं जान पाते कि आंसर क्या आया, ठीक है, तो आंसर क्या आया, सरकम सेंटर। एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन बताई कि ये जहाँ पर 90 डिग्री बनता है राइट एंगल में,
तो सेंटर होता है, हाइपोटेनिस कर्ण हिंदी में क्या है, कर्ण, उसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु कैसे निकालते, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे और दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक। यहाँ देखें ट्राइंगल आया एबीसी, वर्टाइसिस फटाफट ले लेंगे, 2,1 आ गई, यहाँ पे 5,2 आ गया, यहाँ 3,4 आ गया, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, ध्यान देते रहें, y माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 5 और x माइनस 5, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2y प्लस 4 बराबर 2x माइनस 10, तो आ गया 2x प्लस 2y बराबर 14, क्या आया 14 आया, तो x प्लस y बराबर कितना आया 7 आया, इसके परपेंडिकुलर रेखा क्या आएगी x माइनस y बराबर लैम्डा, किससे पास हो रही है। तो क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान दें, यहाँ पे सरकम सेंटर फाइंड कर रहे हैं, एक जनरल ट्राइंगल लिया है जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, पिछला वाला ट्राइंगल जो था वो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल पाया। एक जनरल ट्राइंगल अगर आपके सामने आता है तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, सरकम सेंटर निकालना है, इस बात को ध्यान देना है। तीन वर्टाइसिस ली गई, तो इस प्रोसीजर को हम लोग पहले ही वाकिफ हैं, देख चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी कैसे निकालते हैं, तो उसको हमने फटाफट निकाल लिया है। अब परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर तो निकालनी रेखा है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए बताया गया था कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज करिए और साइन को इंटरचेंज करिए, तो इक्वेशन आई एक्स माइनस वाई बराबर लैम्डा। बट जब ऑर्थो सेंटर में निकाल लेते तो हम उसको वर्टाइसेस से पास कराते थे, अब यहाँ पर सरकम सेंटर में इसके मिड पॉइंट से, तो डी क्या है यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, तो उसका पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले इसको जोड़ेंगे 8, 8 से डिवाइड किया 2, तो कितना 2 से डिवाइड किया कितना आया 4, और यहाँ पर भी कितना आया 3, तो अब मिड पॉइंट से लाइन को पास कराना है, किससे पास कराना है, हाँ तो मिड पॉइंट में था 4,3 से पास कराने के लिए कराएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4-3 बराबर लैम्डा, लैम्डा बराबर 1, तो लाइन की इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक्स माइनस वाई बराबर 1 आ गई। ऑप्शन में आप रखिए, देखिए जिन एक्स और वाई का डिफरेंस 1 होगा वो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, हाँ 13/4, 9/4, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सरकम सेंटर है। आप ध्यान दीजिए कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में एक खासा फर्क है, सरकम सेंटर जब निकाल रहे हैं तो इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं, वो जरूरी नहीं कि सामने वाली वर्टेक्स से पास हो, और ऑर्थो सेंटर में हम लोग क्या करते हैं इसके परपेंडिकुलर रेखा जो सामने वाली वर्टाइसेस से पास होती है, सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन लगा सकते हैं, आगे और भी शॉर्टकट है, बशर्ते जब तक आप स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पूरे नहीं पढ़ लेते हैं तब तक वो सारे कॉन्सेप्ट आप सहज आसानी से सीखना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो थोड़ा वेट करें, और क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने शुरू किया है, आप इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दें, और कोई भी अगर समस्या या कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे लिखिए, हम लोग एक बार विचार करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।